स्वागत है आप सभी का ज्ञापन एकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में। सो फाइनली आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के उर्दू का चैप्टर नंबर जो 3 है उसका ऑल सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी कि जितना भी क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 से आप लोगों के बुक में पूछा गया है वो सारे क्वेश्चन का आंसर आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। प्रत्येक लाइन को पढ़ पढ़ कर आप लोगों को मतलब समझाया जाएगा ताकि आप लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर समझ कर याद कर सकें और लिख सकें, ठीक है ना। तो वीडियो तो इम्पॉर्टेंट है, स्टार्टिंग में ही आप लोग फटाफट लाइक कर दें और जितना ज़्यादा हो सके आप लोगों को शेयर कर देना है। चैनल पर अगर आप लोग नए नए आए हुए हैं, हमारी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और इसके पहले ऑलरेडी 2 चैप्टर कम्प्लीट कराया जा चुका है, यानी कि चैप्टर नंबर 1 और 2 दोनों चैप्टर का क्वेश्चन आंसर मैं आप लोग को ऑलरेडी कम्प्लीट करा चुकी हूँ। अगर इसके पहला वाला दोनों चैप्टर का क्वेश्चन आंसर अगर आप लोग नहीं कम्प्लीट किए हैं तो लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है प्लेलिस्ट का। जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे प्रत्येक वीडियो जितना भी क्वेश्चन आंसर कराया जा रहा है वो सब उसी प्लेलिस्ट में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आप लोग उस प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करके पिछला दोनों चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चैप्टर नंबर 3 के सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कम्प्लीट करते हैं। नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स गो टू स्टार्ट। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मुख्तसर सवालात से, यानी कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन से ये। और चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल आप लोग के स्क्रीन के ऊपर है कि पेट के लिए खानों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाना कौन सा है। इसके मुतालिक सैयद सुलेमान नदवी के ख्यालात वाज़ह कीजिए, यानी कि यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि पेट के लिए खानों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाना कौन सा है। और इसके मुतालिक जो सैयद सुलेमान नदवी है वो अपने ख्यालात का जो इजहार किए हैं वो आप लोग को बताना है। तो जवाब में देखिए कैसे आप लोग को लिखना है, एकदम लफ्ज़ का स्टार्टिंग, मतलब स्टार्टिंग में लफ्ज़ों को किस तरीके से सजा कर लिखा गया है यहाँ पर सुनिए ज़रा। पेट के लिए खानों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाना कौन सा है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ लोगों का जवाब मुख्तलिफ हो सकता है। देख रहे हैं कितना अच्छा तरीके से लफ्ज़ों को सजा कर यहाँ पर जवाब लिखा गया है कि पेट के लिए खानों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाना कौन सा है। इस सिलसिले में अलग अलग लोगों का जवाब अलग अलग हो सकता है, इसलिए कि सबों के तजुर्बात और मुशाहदात खाने के सिलसिले में यकसा नहीं होते, इसलिए कि सभी लोगों के जो है ना तजुर्बात खाने के सिलसिले में एक नहीं होते। जहाँ तक सैयद सुलेमान नदवी की बात है तो इस सिलसिले में उनका ख्याल यह है कि पेट के लिए खानों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाना नाश्ता है। सुबह सवेरे पेट में कुछ खा लेने से दिन भर के लिए इत्मीनान हो जाता है। तो यहाँ पर सैयद सुलेमान नदवी के ख्यालात को भी वाज़ह कर दिया गया है। तो ये हो गया, देखिए कितने अच्छे तरीके से कम शब्दों का यूज़ करते हुए यहाँ पर छोटा सा आंसर लिख दिया गया है। वैसे भी ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है तो इसका आंसर भी शॉर्ट टाइप ही होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का कितना आसानी से शॉर्ट यानी कि छोटा आंसर लिखा गया है और इस तरह आप लोग बिल्कुल एकदम आसान भाषा में लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल है कि कुल्लिया से क्या मुराद है, अरबी और हिंदुस्तानी ज़बानों में कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो जवाब में लिखा हुआ है कि हमारे हिंदुस्तानी तहजीब में कुल्लिया कुरमा आम खाना है। इसको कलिया भी पढ़ा जाता है, कुल्लिया भी पढ़ा जाता है। तो कलिया या फिर कुल्लिया कुरमा आम खाना है और रोज़मर्रा के इस्तेमाल में है। कलिया के बज़ाहिर हर शक्ल, कलिया की बज़ाहिर शक्ल तो अरबी है लेकिन उसका मानी अरबी नहीं है। अरबी में इसकी शक्ल कुल्लिया हो सकती है जो कल्ली से बना है। कल्ली फेल है जिसके मानी भुनना है, इस तरह भुने हुए गोश्त को कलिया कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तीसरा सवाल है कि नए और पुराने नुक्ता निगाह से लफ्ज़ सुर्खी का जायज़ा लीजिए। जवाब में लिखा हुआ है कि आजकल ज़बान में एक लफ्ज़ सुर्खी राइज है जो मज़मून की सुर्खी के लिए इस्तेमाल होता है। सुर्खी लफ्ज़ सुर्ख का सिफत है और सुर्ख के मानी लाल रंग होता है। पहले ज़माने में मज़ामीन लिखने के दौरान मज़ामीन के उनवान को इम्तियाज़ पैदा करने के लिए सुर्ख रंग की स्याही से लिखते थे। नए दौर में जब छपाखाना ईजाद हुआ तो रफ्ता रफ्ता बाब या मज़मून को सुर्खी कहने लगे, ख्वाह आप इसको काले रंग की रोशनाई से क्यों ना लिखें। यानी कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि आजकल ज़ुबान में एक लफ्ज़ सुर्खी बहुत ज़्यादा राइज है जो सुर्ख का सिफत है, यानी कि सुर्ख का मानी होता है लाल रंग और सुर्ख से ही सुर्खी बनाए। पहले के ज़माने में लोग जब मज़मून लिखा करते थे तो उस मज़मून का यानी कि उस निबंध का टाइटल जो है ना सुर्ख कलर से दिया करते थे, यानी कि लाल रंग से दिया करते थे। लेकिन जब
छापाखाना का इजाद हुआ, छापाखाना आविष्कार हुआ, तो फिर उसके बाद से सब कुछ प्रिंट होने लगा, तो मज़मून का जो टाइटल होता था ना उसी को सुर्खी कहा जाने लगा। अब चाहे वो मतलब काले रंग के कलर से ही क्यों ना हो, यानी कि काले रंग की रोशनाई से क्यों ना लिखा जाए, यानी कि भले ही वो काला कलर से क्यों ना वो छपाई हुआ हो, लेकिन फिर भी टाइटल हो गया मतलब सुर्खी हो गया। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन का आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है कि बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक सैयद सुलेमान नदवी की किस किताब से माखूज है। तो यहाँ पर देखिए जवाब में लिखा हुआ है नक़ूश सुलेमानी, यानी कि बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक ये जो मज़मून है ये कौन से किताब से लिया गया है, तो नक़ूश सुलेमानी से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर सवाल है कि सैयद सुलेमान नदवी के उस्ताद ग्रामी का नाम बताइए। तो सैयद सुलेमान नदवी के उस्ताद का नाम क्या है, मोहम्मद शिबली नुमानी। और हमारी ज़ुबान में शोरबदार गोश्त को क्या कहते हैं, तो हमारी ज़ुबान में शोरबदार गोश्त को कुल्लिया कहते हैं, जिसमें गोश्त के साथ कुछ तरकारी भी डाली गई हो, बल्कि गोश्त के साथ वाले उसी तरकारी को कुल्लिया कहने लगे। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सैयद सुलेमान नदवी की जाय पैदाइश दसना बिहार के किस ज़िले में हुई। तो सैयद सुलेमान नदवी की जाय पैदाइश दसना सूबा बिहार के नालंदा ज़िला में हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सैयद सुलेमान नदवी के पढ़ने लिखने का ख़ास मैदान क्या था। तो सैयद सुलेमान नदवी एक गैर मामूली जहन के मालिक थे, बेशतर उलूम के दरवाज़े उनके लिए खुले हुए थे, लेकिन उनके पढ़ने लिखने का ख़ास मैदान तारीख इस्लाम था। तो यहाँ पर बता दिया गया है कि सैयद सुलेमान नदवी के लिखने पढ़ने का ख़ास मैदान क्या था, तो तारीख इस्लाम। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तवील सवालात, यानी कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, जिसका आंसर भी लॉन्ग होगा। तो सबसे पहला सवाल है कि हमारे लिए हमारे खानों में नाश्ते की क्या अहमियत है। तो जवाब में जो अहमियत बताए हैं सैयद सुलेमान नदवी उस बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक में, वही अहमियत आप लोगों को बता देना है कि नाश्तों हमारे खानों में जो नाश्ता होता है उसकी क्या अहमियत है हमारे ज़िंदगी में। ठीक है, तो जवाब में लिखा गया है कि हमारे शब रोज़ के खानों में नाश्ते की गैर मामूली अहमियत है। यह अलग बात है कि तहजीब के बदलते हुए इकदार के नतीजे में मुख्तलिफ लोगों का तर्ज हयात व नशस्त व बर्खास्त मुख्तलिफ हो गया है, जिसके नतीजे में खाने के अवकात भी अपने अपने ज़ाती हालात की बुनियाद पर मुख्तलिफ हो गए हैं। इसके बावजूद लोगों की अक्सरियत इस बात के कायल है कि तमाम खानों में नाश्ते की अहमियत सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर थोड़ा सा मतलब उतना भी टफ लफ्ज़ का यूज़ नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी ठीक है, क्योंकि जवाब जो है ना इसी अंदाज़ में लिखेंगे तो आप मतलब ये होता है ना अच्छा इम्प्रेशन जमता है। तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं, मतलब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अलग अलग लोगों के जो है ना अलग अलग नज़रियात हैं खाने को लेकर। खानों में कुछ लोग कहेंगे कि नाश्ता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कुछ लोग कहेंगे लंच सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कुछ लोग कहेंगे डिनर रात का डिनर जो है ना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब अलग अलग लोगों का अलग अलग राय हो सकता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बताया गया है कि जो यहाँ पर इसके बावजूद भी यानी कि इतने मतलब अक्सरियत आप यूँ कह सकते हैं, इतने मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय होने के बावजूद भी अक्सरियत इस बात की कायल है कि तमाम खानों में नाश्ते की अहमियत सबसे ज़्यादा है। यानी कि नाश्ता जो खानों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाना है वो नाश्ता को ही माना गया है, यानी तमाम खानों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाना नाश्ता ही है। जब आदमी रात भर सोता है नींद की हालत में रात का खाया हुआ खाना अच्छी तरह दलील हो जाता है। जब आदमी सुबह को नींद से बेदार होता है तो उसे शिद्दत से भूख का एहसास होता है। ऐसी हालत में कुछ भी नाश्ते की शक्ल में कुछ ग़ज़ा मिल जाने से पूरे दिन के लिए ढारस हो जाती है। यहाँ पर को नहीं रहेगा, ठीक है, थोड़ा सा गलत टाइपिंग हो गया बट कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि तमाम खानों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाना क्या है, नाश्ता है, क्योंकि जब आदमी रात भर सोता है तो नींद की हालत में रात का खाया हुआ जो है ना अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है। जब आदमी सुबह को नींद से बेदार होता है, सुबह में उठता है, तो उसको शिद्दत से भूख का एहसास होता है, और ऐसी हालत में अगर वो कुछ नाश्ता कर लेता है मतलब नाश्ता की शक्ल में कुछ खा लेता है तो पूरे दिन के लिए जो है ना उसका नैया पार लग जाता है। ठीक है, तो ये बात है। यह अजीब बात है कि नाश्ता के लिए दुनिया की अक्सर ज़ुबानों में भूख तोड़ने की इस्तिलाह राइज हो चुकी है। मगरबी और मशरकी ज़बान यानी अंग्रेज़ी और अरबी ज़बानों में नाश्ता के लिए भूख तोड़ने की इस्तिलाह राइज है। इससे यह बात समझ में आती है
कि और देगर ज़ुबानों में भी यही सूरत हाल होगी। अरबी में नाश्ता के लिए फ़तूर का लफ्ज़ राइज है, उसी लफ्ज़ से रोज़ा इफ्तार निकला है, यानी कि ये जो है ना इफ्तार लफ्ज़ फ़तूर से ही निकला है, और जिस चीज़ से इफ्तार करें उसे इफ्तारी कहते हैं। फ़तूर के मानी तोड़ने के हैं, यानी रोज़ा की भूख को तोड़ना। हमारा नाश्ता भी इसी किस्म का लफ्ज़ है। फ़ारसी में इस लफ्ज़ को उस आदमी के साथ इस्तेमाल किया जाता है जो सुबह से कुछ न खाया हो यानी भूखा हो। अब हम इस चीज़ को नाश्ता कहने लगे हैं जो सुबह सवेरे ऐसे आदमी को खिलाया जाए जो भूखा हो, यानी कि शख्स के बजाय चीज़ का नाम नाश्ता हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है, लफ्ज़ निहार मुँह फ़ारसी और हिंदुस्तानी ज़बान में कैसे एक दूसरे से मुताल्लिक है, वजाहत कीजिए। तो जवाब में लिखा गया है कि लफ्ज़ निहार मुँह फ़ारसी और हिंदुस्तानी ज़बानों में लफ्ज़ मुश्तरक है, और दोनों में इस लफ्ज़ से मुताल्लिक बहुत गहरा ताल्लुक़ है। निहार मुँह, और दरअसल लफ्ज़ ये जो निहार मुँह है ना, दरअसल लफ्ज़ निहार की सिफत है, यानी लफ्ज़ हिंदुस्तानी ज़बानों में सुबह को भूखे पेट वालों के लिए राइज है। यह लफ्ज़ निहारमो बुनियादी तौर पर फ़ारसी का है, जो फ़ारसी से हिंदुस्तानी ज़ुबानों में जम होकर हिंदुस्तानी ज़ुबान का एक इस्तलाह बन गया है। यानी कि यहाँ पर आप लोगों को बताना था कि निहारमो फ़ारसी और हिंदुस्तानी ज़ुबान में कैसे एक दूसरे से मुतालिक है, एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि निहार मुँह ये जो लफ्ज़ है ना, ये निहार से बना हुआ है, निहार की सिफत है, और यही लफ्ज़ हिंदुस्तानी ज़ुबान में सुबह को भूखे पेट वालों के लिए राइज है। यानी कि सुबह में जब हम लोग भूखे पेट रहते हैं ना, उसी को निहार मुँह कहा जाता है। निहार मुँह मतलब नहीं खाया हुआ, और निहार मुँह बुनियादी तौर पर फ़ारसी का है। ठीक है, ये जो लफ्ज़ है निहार मुँह, ये फ़ारसी ज़ुबान का है, जो फ़ारसी से हिंदुस्तानी ज़ुबानों में जम होकर हिंदुस्तानी ज़ुबान का एक इस्लाह बन गया है। देखने की बात यह है कि अब फ़ारसी लफ्ज़ हिंदुस्तानी ज़ुबान से इस तरह मिल गया कि गोया अब यह हिंदुस्तानी लफ्ज़ ही है, उसकी यहाँ पर हिंदुस्तानी लफ्ज़ ही है। इसकी असलियत निहार है, ना नफ़ी के लिए, और हिंदी में हार के मानी गज़ा के हैं। अब इसकी शक्ल यूँ है, नहार यानी नहीं खाया हुआ। अब इसी लफ्ज़ से नहारी यानी नहारी बना, जो सुबह को निहार मुँह खाई जाती है। दिल्ली और लखनऊ वगैरह में रफ्ता रफ्ता एक ख़ास किस्म का गज़ा को कहा जाने लगा, जो बाज़ारों में पकी पकाई चटनी किस्म की मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर नहार का मतलब क्या हुआ, नहीं खाया हुआ, और नहार से ही निहारी बन गया, यानी कि जो सुबह को निहार मुँह खाई जाती है, यानी कि जो खाना सुबह को निहार मुँह खाई जाती है उसको निहारी कहा जाने लगा। और यही जो है ना दिल्ली और लखनऊ के सड़कों पर फेमस हो गया। ठीक है, पकी पकाई चटनी एक किस्म की मिलती है, उसी को निहारी कहा जाने लगा, जिसको सुबह खाली पेट खाया जाता हो। ठीक है, आगे देखिए लिखा गया है, लफ्ज़ निहार से एक लफ्ज़ आहार भी बनता है, जिसके मानी लेई के होते हैं, जो गज़ा और कपड़े पर सिर्फ इसलिए चढ़ाई जाती हैं कि वह मजबूत हो जाए। दूसरी तरफ आहार गज़ा को भी कहते हैं, जो इंसानी जिस्म की तकवीत पहुंचाती है। इसी बुनियाद पर इस लेई को भी आहार कहा जाने लगा, जो कागज़ और कपड़ों की कौत में इजाफा करती है। इससे साबित होता है कि लफ्ज़ निहार मुँह ऐसा लफ्ज़ है जो इंसानी एतबार से फ़ारसी और हिंदुस्तानी ज़ुबानों में न सिर्फ यह के लफ्ज़ मुश्तरक है, बल्कि एक दूसरे से बहुत क़ुर्बत के साथ मुतालिक भी हैं। तो यहाँ पर ये हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं, तीसरा सवाल है कि मुख्तलिफ़ ज़ुबानों की रोशनी में लफ्ज़ कलई का जायज़ा लीजिए। तो यहाँ पर जवाब में लिखा गया है, लफ्ज़ कलई का आप लोगों को जायज़ा लेना है, ओवरव्यू करना है मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में। मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में कलई लफ्ज़ का क्या मीनिंग है, ये आप लोगों को बताना है। तो जवाब में लिखा गया है, लफ्ज़ कलई हिंदुस्तानी ज़ुबान का मशहूर लफ्ज़ है। इस लफ्ज़ कलई की कलई खोलने पर मालूम होता है कि उस लफ्ज़ को गर्चा लिखने कलई हैं, लेकिन बोलने की सतह पर इसके साथ नाइंसाफ़ी होती है, इसे कल्ली बोला जाता है। यानी कि हम लोग लिखते हैं कलई, लेकिन बोला जाता है कल्ली। हिंदुस्तानी ज़ुबानों में कलई के मानी सफाई और सफ़ेदी के हैं। हिंदुस्तानी ज़बानों में कलई का मानी क्या है, सफाई और सफ़ेदी के। इसी मकसद के पेश नज़र जब बर्तन की सफाई की जाती है तो उसे बर्तन पर कलई करना कहते हैं, और जब मकानों की सफाई कराई जाती है तो उसे मकानों पर कलई फेरना कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कलई का मतलब क्या होता है। कलई का मतलब होता है सफ़ेदी या फिर सफाई के। ठीक है, और जब बर्तनों की सफाई की जाती है तो उसे हम लोग बर्तन पर कलई करना कहते हैं, और जब मकान पर घर की सफाई कराई जाती है तो उसे मकानों पर कलई फेरना कहते हैं। लफ्ज़ कलई गर्चे कदीम
अरबी ज़ुबान में नहीं था, लेकिन जदीद अरबी लगत में लफ्ज़ कलई मिलता है। कलई अरबी में लिसान को कहते हैं और फारसी में रांगे को कहते हैं। मगर रांगे को कलई क्यों कहते हैं? क्योंकि रांगा एक धात है जिसका शुमार मादनियात में होता है। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, कलई अरबी में लिसान को कहते हैं। कलई को अरबी में क्या कहते हैं? तो लिसान कहते हैं, और फारसी में क्या कहते हैं? रांगे को कहते हैं। ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। इस ज़मन में लिसानुल अरब का कौल है कि कलई एक कान का नाम है जिससे रांगे की बेहतरीन किस्म निकलती थी, इसलिए लफ्ज़ कलई की तरफ निस्बत करके अच्छे किस्म के रांगे को कलई कहने लगे, क्योंकि इसी रांगे से तांबे की बर्तनों में सफ़ेदी फेरी जाती थी, इसीलिए इसको कलई करना कहते हैं। और मकानों पर होने से सफ़ेदी फेरी जाती है, तो इसी निस्बत से उसको कलई फेरना नाम रख दिया गया है। अब हमारे ज़बान में लफ्ज़ कलई के इस तरह के इस्तेमाल से यह मानी पैदा हुए कि अगर किसी के ऐब या दाग धब्बे को छुपाया जाए तो उस पर कलई फेरना कहते हैं, यानी कि कलई फेरना कहने लगे। और अगर किसी के दाग धब्बे को उजागर किसी दाग धब्बे को अगर छिपा दिया जाए तो उसको कलई फेरना कहने लगे। यानी कि यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर दो बार रिपीट हो गया है। अगर किसी के ऐब या दाग धब्बे को अगर छुपाया जाए तो उस पर कलई फेरना कहने लगे। और अगर किसी के दाग धब्बे को, यहाँ पर दो बार रिपीट हो गया, यहाँ पर ये लाइन नहीं रहेगा, ठीक है। अगर किसी के ऐब या दाग धब्बे को छिपाया जाए तो उसे कलई फेरना कहते हैं, और अगर किसी के दाग धब्बे या फिर ऐब को ज़ाहिर करना है, यानी जाहिर करना मकसूद हो, तो उसे कलई खोलना कहते हैं। यानी कि किसी के ऐब को, गलती को छुपा लेना कलई फेरना कहलाता है, और किसी ऐब यानी कि गलती को जाहिर कर देना, दिखा देना, उजागर कर देना कलई खोलना कहलाता है। इस तरह लफ्ज़ कलई के तहकीक से मालूम हुआ कि रफ्तार रफ्तार लफ्ज़ कलई से तरकीब देकर मुख्तलिफ और मुतजाद मानी इस्तेमाल में आने लगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक के फ़वाद अपनी ज़ुबान में लिखिए, यानी कि बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक, इसका फ़ायदा आप लोगों को अपनी ज़ुबान अपनी भाषा में लिखना है। देखिए जवाब में लिखा गया है कि एक मुहक्किक और माहिर लिसानियात की हैसियत से मौलाना सैयद सुलेमान नदवी की शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं है। यूँ तो सैयद साहब की तहकीक का ख़ास मैदान तारीख इस्लाम था और उनकी बेशतर तसानीफ भी उसी मौजू पर हैं, लेकिन सैयद सुलेमान नदवी एक कामयाब मुरख के अलावा एक माहिर लिसानियात भी थे। उर्दू, फारसी और अंग्रेज़ी ज़बानों में कामिल महारत रखते थे, इसलिए पुराने लफ्ज़ों की तहकीक के मौजू पर उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम नकुसे सुलेमानी था। उस किताब का क्या नाम था? नकुशे सुलेमानी। ज़ेर में साहब मज़मून बउनवान बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक सैयद साहब की किताब नकुशे सुलेमानी से ही माखूज है। यानी कि ये जो बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक, ये आप लोग के बुक में जो चैप्टर है, ये कौन से किताब से लिया गया है? तो नकुशे सुलेमानी से ही लिया गया है। इस तहकीकी मज़मून में मुसन्निफ़ ने किसी मखसूस लफ्ज़ के मानी को कई ज़ुबानों के अल्फाज से तकाबली मुआजना करते हुए मिसालों के ज़रिए वाज़ा किया है। लसानियात और ज़ुबानों के इल्म में यह मज़मून नहायत कारामद और मुफीद है। इस मज़मून में ऐसे अल्फाज के मानी, असल मानी की भी वजाहत की गई है जो रोज़मर्रा की ज़ुबान में इस्तेमाल होते आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर कलई, सुर्खी, अहदी और निहारमू, इसके अलावा अशियाए खुर्दनी में नाश्ता, कोरमा और कुल्लिया वगैरह, इन अल्फाज के मुतालिक मुआशरे के मुख्तलिफ और दिलचस्प रुए और सलूक का बखूबी अंदाज़ा होता है। पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि बाज़ ऐसे अल्फाज जिनकी हकीकत और मादा से हम वाकिफ नहीं हैं, तो तहकीक करने से यह वाज़ा हो जाता है, यह वाज़ी मतलब ये ज़ाहिर हो जाता है, ये वाज़ी हो जाता है कि यह लफ्ज़ किस ज़ुबान से आया है और उसका मादा क्या है और आज की तारीख में उसका मफहूम क्या है। तो ये हो गया आंसर। अब देखिए यहाँ पर ग्रामर से क्वेश्चन पूछा गया है, कवायद का मतलब क्या? ग्रामर, उर्दू ग्रामर से क्वेश्चन है ये। सबसे पहला सवाल है कि दर्ज ज़ैल अल्फाज से दो दो मुहावरा बनाएं। आँख, पानी, कलई, जान, छाती, ये अल्फाज हैं और इससे आप लोगों को दो दो मुहावरा बनाना है। तो सबसे पहला लफ्ज़ है आँख, आँख से दो मुहावरा बनाना है। तो पहला मुहावरा तो हो जाएगा आँख दिखाना, और दूसरा हो जाएगा आँखों का तारा होना, ठीक है। तो ये आँख से दो मुहावरा बन गया। उसी तरीके से पानी से भी दो मुहावरा बनाना है।
पानी पानी होना और पानी में आग लगाना, ये हो गया पानी से बना हुआ दो मुहावरा। कलई, कलई खोलना और कलई फेरना, ये हो गया दो मुहावरा। उसी तरीके है से है जान, जान छुड़ाना और जान पराना, ये दो मुहावरा हो गया। उसी तरह छाती, छाती पीटना, छाती पर मूंग दलना, ठीक है, तो ये हो गया दो मुहावरा, मतलब दो मुहावरा हो गया। दूसरा सवाल है, इसमें से सबसे तारीफ बयान कीजिए और उसके किस्मों का नाम बताइए। बहुत ही आसान है और ये लास्ट क्वेश्चन। इसमें से सब आप लोग को पता ही होगा, मैं आप लोगों को ग्रामर में पढ़ा चुकी हूँ। एडजेक्टिव यानी कि विशेषण को ही कहा जाता है, यानी कि जो इसम जो नाम किसी की विशेषता बताए, क्वालिटी बताए, उसी को इसमें सिफत कहते हैं। और यहाँ पर उसकी किस्मों के नाम बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है, इसमें सिफत उस इसम को कहते हैं जिसे किसी शख्स, चीज़ या जगह की अच्छाई, बुराई, हालत, कीफियत, रंग, तादाद और मकदार मालूम हो। जैसे गर्म पानी और नेक आदमी में गर्म और नेक सिफत है, जैसा कि मैं आप लोगों को बताई, वही चीज़ यहाँ पर लिख दिया गया है कि किसी शख्स, चीज़ या जगह की अच्छाई, बुराई, हालत, कीफियत, रंग, तादाद और मकदार मालूम हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, इसमें सिफत कहते हैं। जैसे कि गर्म पानी, पानी क्या है, गर्म है, तो गर्म लफ्ज़ से हमें पानी की कीफियत पता चल रही है कि पानी की क्वालिटी बताई जा रही है कि पानी कैसा है, तो गर्म है, तो गर्म पानी, इस लफ्ज़ में जो गर्म है, गर्म लफ्ज़ क्या कहलाएगा, सिफत कहलाएगा, ठीक है। उसी तरीके से आदमी कैसा है, नेक है, यानी कि आदमी की क्वालिटी हमें पता चल रही है नेक लफ्ज़ के ज़रिए, तो नेक लफ्ज़ ये क्या कहलाएगा, इसमें सिफत कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें सिफत के साथ किस्में हैं जो जज़ैल है, पहला है सिफत आर्जी, दूसरा है सिफत दायमी, तीसरे में है सिफत ज़ाती, चौथे में सिफत नस्बती, पाँचवें में सिफत मकदारी, छठे में है सिफत अददी और सातवें में है सिफत इस्तिफहामी। तो ये हो गया इसमें सिफत की सात किस्में। तो फाइनली आज के इस वीडियो में क्लास ट्वेल्थ के उर्दू का जो चैप्टर नंबर 3 है उसका सारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लेकर पूछ लीजिएगा। बाकी तो मैं पूरी कोशिश की हूँ अपनी तरफ से समझाने की, और आई होप आप लोगों को समझ में भी आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है तो लाइक कर दे फटाफट, अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को शेयर करना है। व्हाट्सएप ग्रुप जितने भी हैं आप सभी लोगों के, वहाँ पर शेयर कर दे। चैनल पर आप लोग नए नए आए हुए हैं, हमारे वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अब हम लोग इसके अगले वीडियो में मिलेंगे अगले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ। बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।